भारत भी जूझ रहा है और पंजाब सरकार घोटालिया च लगी हुई है। जिहड़ा केंद्र द्वारा अनाज पंजाब दे गरीब लोगों लिए भेजा गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत और जिन्हों को राशन कार्ड नहीं है और जो प्रवासी बंधु है उन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज वो आया, लेकिन विडंबना है कि जो लॉकडाउन का पीरियड है वो है मार्च अप्रैल मई तीन महीने के वो वंडिया नहीं गया, हाले भी स्टॉक किया उन्होंने को। कल असी जलंधर भी जोड़ा है ये जोड़ा है सामने एक्सपोज किया कि भी इन्हों का स्टॉक जोड़ा है प्राइवेट प्लेसिस पे है, क्योंकि भारत भूषण आशू जोड़े केंद्रीय अपने प्रदेश के खुराक मंत्री उन्होंने ये गल कही है कि भी ये अख्तियार सिर्फ फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, कोई प्राइवेट परसन नहीं बन सकता, कोई जोड़ा है प्राइवेट प्लेस से रख नहीं सकता। सो लेकिन इस गल दिया कि पूरे प्रदेश के अज भी जोड़ा है कई जगह स्टॉक किया पूरी तरह गरीब का अन्न जोड़ा है वो कांग्रसी और कांग्रेस के साथी जोड़े है चाहे विधायक है काउंसलर हाले भी स्टॉक किया है सरकारी अनाज। सो इसलिए हुण अनलॉकिंग टू शुरू होया था। मैं इस नाते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी भी लिखी हैगी है 10 जुलाई नूं कि भी यदि जांच होनी चाहिए है कि भी यदि पूरी जांच होवे, क्योंकि इत्थे जिहड़ा अनाज पूरी तरह नहीं बट रहा और इन्हां दा सिर्फ घोटालिया ध्यान हैगा, चाहे इलीगल डिस्ट्रिली का 5600 करोड़ रुपए का घोटाला है, सीड स्कैम है, पीपी किट स्कैम है, इंश्योरेंस स्कैम है, सारे लॉकडाउन पीरियड च होए आ। सो इसलिए इन्हों का ध्यान गरीबों वाल नहीं है, यदि पूरी जांच होनी चाहिए। सर जलंधर के भी राशन लैके कल पत्रकार के नाल भी बिल्कुल बदसलूकी की, जिनी भी निखेधी करी उन्नी थोड़ी है और उत्थे कल भी मैं उत्थे मौजूद सी जदों पत्रकार ने बदसलूकी की, अज सारी यूनियन इकट्ठी होकर कि भी केस रजिस्टर किया जाए विधायक के खिलाफ और इस गल नूं मंग जिहड़ी है मैं करदा, क्योंकि जो बदसलूकी हैगी है फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है जिहड़ा मीडिया हैगा, सो उहदे उत्ते अटैक करना मतलब जमहूरीयत का कतल है। सो इसलिए हकां की जिहड़ी हैगी है वह जिहड़ा हैगा तुसीं हकां की लड़ाई लड़नी जिहड़ी हैगी है मीडिया ने भी लड़नी असीं उहनां दे नाल खड़े। देखो ऐसा है जो प्रवासी मजदूर चले गए और नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज भेजे है, वो जिन्ना चले गए वापस नहीं आए यदा मतलब वो सरकार को फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को स्टॉक होना चाहिए और डिकलेयर करना चाहिए इस गल का कि भी वो कि स्टॉक पिया, ना कि किसी प्राइवेट हत्थां, क्योंकि जेड़ा गरीबां लई अन्न आया वो 3 महीने लॉकडाउन पीरियड लई सीगा, वो अज जे वंडदे आ तो गैर कानूनी है, वो नहीं वंडिया उन्होंने अपने को रखे होया। पार्टी वालों असी जांच की मांग करते हैं, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चिट्ठी लिखी है कि भी यदि पूरी जांच होनी चाहिए है और जेड़े दोषी अफसर है उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई होगी।